सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप 5 वर्सेस मोटोरोला रेजर 40 अल्ट्रा। आज की वीडियो में हम ये दोनों स्मार्टफोन का फुल डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं। ये दोनों स्मार्टफोन के प्राइस में आपको मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन स्पेसिफिकेशन में आपको थोड़ी बहुत चेंजेस देखने को मिल जाएंगी। आज की वीडियो में हम ये दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, बैटरी और कैमरा को कम्पेयर करने वाले है, तो आज की वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। कंपेरिजन स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले से। दोनों ही स्मार्टफोन में बेस्ट क्वालिटी की डिस्प्ले दी हुई है, लेकिन कवर डिस्प्ले में थोड़ा फर्क देखने को मिल जाएगा। सैमसंग में आपको 3.4 इंच का कवर डिस्प्ले मिल जाएगा, मोटोरोला में 3.6 इंच का कवर डिस्प्ले दिया हुआ है जो कि पीओलेड पैनल है। उसमें आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिल जाएगा, जिसकी पीक ब्राइटनेस 1100 निट्स की दी हुई है। मोटोरोला के कवर डिस्प्ले में आपको सभी ऐप का सपोर्ट मिल जाएगा, सैमसंग के कवर डिस्प्ले में आपको बहुत कम ऐप का सपोर्ट मिलेगा। अगर कंपेयर करें मेन डिस्प्ले की, तो मेन डिस्प्ले में आपको सैमसंग में 6.7 इंचेस का डायनेमिक एमोलेड 2x डिस्प्ले दिया हुआ है, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज का है, जहां मोटोरोला में आपको 6.9 इंचेस का पीओलेड डिस्प्ले दिया हुआ है, जिसका रिफ्रेश रेट 165 हर्ट्ज है। दोनों ही स्मार्टफोन में आपको बेस्ट क्वालिटी की डिस्प्ले प्रोवाइड की हुई है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कंपैरिजन करें परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस में सैमसंग फ्लिप 5 आगे निकल जाता है, क्योंकि उसमें आपको लेटेस्ट स्नैपड्रैगन का 8th Gen 2 प्रोसेसर दिया हुआ है, जहां मोटोरोला में स्नैपड्रैगन का 8+ Gen 1 प्रोसेसर मिल जाएगा। दोनों ही स्मार्टफोन में 8GB रैम के साथ 256GB स्टोरेज का ऑप्शन मिल जाएगा। दोनों ही स्मार्टफोन में LPDDR5 रैम और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप मिल जाएगा। दोनों ही स्मार्टफोन में डे टू डे यूज में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाएगा, लेकिन जब आप मोटोरोला में थोड़ा हैवी टास्क करोगे तो मोटोरोला थोड़ा ओवरहीट हो जाता है। दोनों ही स्मार्टफोन करंटली एंड्रॉइड 13 पे रन होते हैं। सैमसंग में 4 ईयर ऑफ एंड्रॉइड अपडेट एंड 5 ईयर ऑफ सिक्योरिटी अपडेट मिल जाएंगे। मोटोरोला अपडेट के मामले में थोड़ा पीछे रह जाता है। अगर कंपेयर करें बैटरी की, तो दोनों ही स्मार्टफोन में बहुत ही कम बैटरी दी हुई है। सैमसंग में सिर्फ 3700 mAh की बैटरी मिलेगी और मोटोरोला में 3800 mAh की बैटरी मिल जाएगी। मोटोरोला में 30 वॉट का वायर चार्जिंग मिल जाएगा, जहां सैमसंग में 25 वॉट का वायर चार्जिंग मिलेगा। दोनों ही स्मार्टफोन में वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाएगी। अगर बात करें कैमरा की, तो दोनों ही स्मार्टफोन में ड्यूअल कैमरा सेटअप दिया हुआ है, जिसमें मोटोरोला में 12 MP का मेन और 13 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा सेंसर दिया हुआ है, जहां सैमसंग में आपको 12 MP का मेन और 12 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा सेंसर मिल जाएगा। अगर बात करें फ्रंट कैमरे की, तो मोटोरोला में आपको 32 MP का सेल्फी कैमरा दिया हुआ है, जहां सैमसंग में सिर्फ 10 MP का सेल्फी कैमरा मिलेगा। दोनों ही स्मार्टफोन के मेन कैमरा से आप मैक्सिमम 4K 60fps पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर कंपेयर करें दोनों स्मार्टफोन के प्राइस की, तो मोटोरोला रेजर 40 अल्ट्रा की प्राइस 19,000 के अराउंड मिलेगी, जहां सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप 5 की प्राइस 1 लाख के अराउंड मिल जाएगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।